गांव से आके इतनी दूर आके काम करना, तो गांव की याद तो आती है। गांव की याद बहुत आती है सर, क्या करे, पैसा की जरूरत है। चावल तसल्ली से पर बैठ मौत आई है। चावल इसके अंदर क्या है? चिकन। चिकन है। और सब्जी में तो नहीं है। ये खाना लेने आए हैं। तो कपड़े सूख रहे हैं यहाँ पे, और ये बहुत बड़ा बना रखा है, ये टेम्परेरी बना रखा है, ये ना अभी चलते हैं ना तो ये हिलता है। किस चीज का बनाए? जिप्सम। हिप्सम। जिप्सम। जिप्सम। ये लकड़ी पीओपी का बना हुआ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? इस वक्त मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मेहनती लोग रहते हैं, मजदूर रहते हैं, वो काम करके जहाँ पे आते हैं रहते हैं, उनका रहना सहना कैसे सोते हैं, तो मैं यहीं पे आया हूँ। दिख रहा होगा ये रूम, यहीं पे लोग रहते हैं, और ये रहे भाई लोग सब खड़े हैं। ये बेड वेड है ना, दिख रहा है? ऐसे बेड देख के ना मुझे जो कॉलेज होते हैं, हॉस्टल होते हैं ना, उनकी याद आ गई, जिस हिसाब से होता है बेड। तो इनके साथ आज की रात होने वाली है, खाना पीना सब कुछ, और पूरा दिखाऊंगा बाहर की तरफ कि कैसा है। और जो ये बना हुआ है रूम, ये टेम्परेरी बना हुआ है, और काम चलता है, यहाँ पे रुकते हैं वो लोग और काम चलता है, बगल में कहीं साइड है वहाँ पे काम चलता है, यहाँ पे रुकते हैं, खाते हैं, बनाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। ये रहा इनका बेड, और ये रहे भाई लोग। बताओ भाई लोग, आप यहीं पर काम करते हो ना? ये हमारे अमित भाई हैं। कहाँ पर चलता है काम? यही बगल में। शर्मा रहे। ये जैसे बॉयज हॉस्टल में रहता है ना, गर्ल्स हॉस्टल जो कॉलेज में होता है, गाइस आप लोग जानते हो, तो भाई लोग ऐसे ही सोते हैं। तो ये जो रहने वहने का ये कंपनी ने दे रखा है, बाकी खाने पीने का ये अपना खुद करते हैं। तो हम आपको बाहर दिखा रहे हैं, बाहर 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 बॉयज रहते हैं, सारे लड़के यहीं रहते हैं, तो कपड़े सूख रहे हैं यहाँ पर, और ये बहुत बड़ा बना रखा है, ये टेम्परेरी बना रखा है, ये ना अभी चलते हैं ना तो ये हिलता है। किस चीज़ का बनाई? जिप्सम। हिप्सम। जिप्सम। जिप्सम। ये लकड़ी पीओपी का बना हुआ है, तो ये पीओपी का बना हुआ है, देख रहे हो आप, ये चलो ना तो हिलता है, ये टेम्परेरी बना रखा है रहने के लिए, और काफ़ी अच्छा बना रखा है। उस साइड वॉशरूम है, अभी दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। ये भाई ये खाना बना रहे हैं, आज क्या बन रहा है? चिकन। चिकन। चिकन बन रहा है। तो ऐसे ही लोग रहते हैं प्यार से, अलग अलग जगह से आए हुए हैं। ये इनका बिस्तरा बहुत सफाई से रखते हैं, देख लो इन्होंने साफ करके रखा हुआ है, एकदम एकदम सफाई अच्छी लगती है इनको, हैं भैया सफाई से रहते हैं एकदम एकदम पूरा सफाई से। सही, ये देख लो लाइफ स्टाइल, ये लाइफ स्टाइल है। आप लोग मेहनत से डरते हो, स्ट्रगल से डरते हो, ये होती है असली मेहनत। घर वालों के लिए पैसे भेजना, इतनी मेहनत करते हैं ये लोग। तो अभी हम नीचे जाएंगे, सबके साथ खाना खाएंगे। यहाँ पे क्या होता है ना, जो कुक है वो खाना बनाता है सबके लिए, तो सब लोग नीचे ही खाना खाएंगे। कुछ लोग हैं अपना अपना अलग बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनी वालों ने दे रखा है कि सबका साथ में खाना बनेगा, सब साथ में खाएंगे। तो अभी चलते हैं नीचे, वहाँ पे देखते हैं क्या बना है। एक तरफ से चावल तसल्ली से बैठ मौत आई है। चावल इसके अंदर क्या है? चिकन। चिकन है। पार्टी आ रहा है। और सब्जी में तो नहीं थे, ये खाना लेने आए हैं। सब्जी उनका डाले तो तुम चावल डालो, हम चावल डाले, सब्जी डालो तुम चावल डालो, हिले 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 ढाकल कर रहा मन का ना, हिले चिकन चावल रोटी अभी। अभी लोग सभी यहाँ खाना खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ। तो ये सब अलग अलग जगह से हैं, यहाँ पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और बहुत ही प्यार से रहते हैं। जो इनका बेड है और खाना है, आज बना है चिकन, तो मैं भी इनके साथ खा रहा हूँ। प्यार से खिला रहे हैं खाना, बहुत प्यार से खिला रहे हैं, और चिकन अच्छा बना है ना। तो गाइस खाना पीना हो चुका है, और जो इतने लोगों का खाना बनाते हैं ना, वो ये भैया बनाते हैं। कितने लोगों का खाना बनाया आपने? मतलब 30 लोग हैं। 30 लोगों का, और आज चिकन बनाया था, तो अच्छा लगा, खाना भी अच्छा बनाया था। और यहाँ पे सब सोते हैं और सब प्यार से रहते हैं, सब अलग अलग गाँव से अलग अलग जगह से आए, तो ये चीज़ अच्छी है कि सब प्यार से रहते हैं, और
ठंड का टाइम है, सबने कंबल वंबल रख रखा है। कॉलेज की और हॉस्टल की याद आ जाती है, जो कॉलेज में ऐसे बैड होते हैं, हॉस्टल में बैड होता है तो सब ऐसे ही रहते हैं प्यार से। ये भाई है, भाई कुछ कहना चाहते हो आप? कुछ कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हैं? नहीं मतलब यहाँ पे सही रहते हैं सब? हाँ सब सही रहते हैं, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। घर से अच्छा ही लग रहा है, घर से अच्छा लग रहा है, घर से अच्छा ही लग रहा है। चलो देखेंगे विशाल, विशाल स्टार्ट हो, देख रहे हो खाना वाना हो चुका है और अपने राजू भाई चले अपने रूम में, खाना खा के आ चुके हैं। जो ये जगह है ना, हर जगह रूम में ना सब जो काम करते हैं ना लेबर और जो अपने भाई लोग काम करते हैं वो अपने अपने रूम में रहते हैं। हर रूम में ऐसे ही बेड लगे हुए हैं और जो खाने का है वॉशरूम है वो उस तरफ है और पानी का टैंक बना रखा है इन्होंने बहुत अच्छा, मैं दिखाता हूँ। पानी का टैंक है, अंधेरा है ना रात के टाइम में तो दिख नहीं रहा, सुबह दिखाऊंगा अच्छे से। ये पानी का टैंक है, यहाँ बर्तन वर्तन धोते हैं, ये वॉशरूम है नहाने के लिए, यहाँ साफ पानी है नहा भी सकते हो, और ये वॉशरूम है और जो खाने वाना बनता है वो इस तरफ बनता है। किचन में बहुत सफाई से, ये भाई बताते रह रहे हैं कि क्या क्या होता है। चलो अब चलते हैं ऊपर वाले रूम में। ये आ गया अपना रूम B9 और ये हमारे भैया खाना खाते हुए, ये रहा रूम, भाई अपने रूम में आ चुके हैं, खाना बन रहा है अभी। तो खाना वाना खा के आ चुके हैं, तो आज का दिन, आज की रात पूरा इन्हीं के साथ गुजरने वाला है, भाई लोगों के साथ। तो देखते हैं आज की रात, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। अच्छा यहाँ डांस वांस भी करते हो? डीजे वीजे बजा के नहीं, ये हिलता होगा ना, POP का बना हुआ है ना, हिलता है, नीचे आदमी भी रहते, नीचे भी आदमी रहते हैं तो उन्हें दिक्कत हो, इन्जॉयमेंट उतना नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी सब खुशी से रहते हैं। नहीं एकदम, मैं कैसे हूँगा यहाँ ऊपर, मज़ा आएगा आज। ये ऐसे बेड पे मैं सोया नहीं कभी, आज सो लेना भाई, आज सोऊंगा। भैया ने बिस्तर भी लगा दिया आराम से, बिल्कुल साफ से सफाई वफाई करके, और तकिया है नहीं तो यहाँ पे बैग रखा हुआ है, देख रहे हो आप, बहुत प्यार से बिस्तर लगाया है, अब प्यार से सो जाते हैं। तो मैं अभी बिस्तर में आ चुका हूँ और सच में यार मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक हॉस्टल लाइफ जी रहा हूँ, सब बॉयज़ है ना, ऐसा लग रहा है बॉयज़ हॉस्टल है। और अभी बिस्तर में वो दिख रहा है आपको, ऐसा बेड तो यार कमाल है, दो लोग सो सकते हैं, एक नीचे एक ऊपर, और इस वाले रूम में कोई नहीं है, चार पांच लोग हैं और दो बेड, दो तीन बेड पड़े हुए हैं। नीचे वाले रूम में बहुत सारे लोग हैं और बेड भी बहुत सारे हैं, देखा है आपने। तो अब सुबह मिलता हूँ मैं आपसे, अब नींद आ रही है, अब सो लेते हैं ना थोड़ा, ठीक है। बाकी सुबह दिखाऊँगा इनका क्या रूटीन है डेली का, सुबह खाना बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनको जल्दी काम पे भी जाना होता है, यहीं पे पास में ही एक बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे काम चल रहा है, इनको काम पे भी जाना होता है। तो इनका रूटीन मैं दिखाऊंगा डेली का क्या है क्या चल रहा है। तो अभी सो लेते हैं ना, सब लोग सो रहे हैं, दिख रहा है, तो हम भी सो लेते हैं, बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग, तो कैसे हो आप सब? तो भैया नींद तो अच्छी आई, अब सो के उठ चुके हैं और अभी भाई लोग अभी सो रहे हैं, तो अभी देखते हैं बाहर का सीन क्या है। मतलब सुबह तो हो चुकी है, अभी ये लोग 8 बजे जाते हैं काम पे, तो 7:30 बजे उठ जाते हैं, आधे घंटे में तैयार वैयार होकर निकल जाते हैं। तो अभी देखते हैं बाहर का क्या सीन है, बाहर चलते हैं। अब दिख रहा होगा, रात में उतना क्लियर नहीं दिखाता, दिन में इतना क्लियर दिख रहा है, ये जो बना हुआ है ना, सच में मैं आज रुका ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी बॉयज़ हॉस्टल में रुका हूँ और ये वर्कर्स हैं यहाँ पर सब रहते हैं। तो अभी सब ब्रश करने जा रहे हैं, ये रहा सब खाना लेकर आ रहे हैं, नाश्ता वास्ता करेंगे सब लोग, निकलेंगे अपने काम पे। ये रहा यहाँ फ्रेश फ्रेश होते हैं सब, ब्रश कर रहे हैं अभी सब लोग। और ये रहा मेन गेट, ये जो दिख रहा है ना आपको, यहीं से आए थे, ये ना चारों तरफ से टीन सी लगा के और ये बनाया हुआ है, अच्छा बनाया हुआ है, मतलब रहने के लिए कंपनी ने अच्छी व्यवस्था सही कर रखी है। और ये कुछ नियम हैं जो कि इनको नियम के पालन करने, आई होप सब पालन करते होंगे इस नियम का। वैसे सफाई तो है यहाँ पर, बहुत सफाई है बहुत। तो अभी हम भी जाते हैं, फ्रेश फ्रेश होते हैं। और ये जो रूम है ना, ये टोटल रूम 28 रूम है कम से कम, और इन 28 रूम में कम से कम 400 लोग रहते हैं,
400 लोग रहते हैं और सबका अपना अलग अलग रूम है ना, तो अपना जो एक रूम में 40 लोग रहते हैं ना उनका खाना अलग बनता है, अलग रूम में 30 लोग रहते हैं तो उनका खाना अलग बनता है। अगर कोई अकेला बनाना चाहे तो वो भी बना सकता है, मतलब अगर अकेला बनाना चाहे तो बना सकता है वो। तो अभी चलते हैं ब्रश करने। भाई ब्रश करके आ गए अपने, कहाँ दिख नहीं रहे, ब्रश करके आ गए, ये रहे भाई। कितने बजे निकलोगे आप? 8 बजे। 7:30 बजे उठ के आधे घंटे में तैयार वैयार होके ब्रश व्रश करके 8 बजे काम पे। ठीक है, अच्छा काम के बारे में तो कुछ बता दो, क्या काम करते हो? काम के बारे में? हाँ, अरे वही करते हैं जो बिल्डिंग बनती है ना। हाँ, तो बहुत मेहनत का काम। हाँ, बहुत मेहनत पड़ता है उसमें। हाँ, और इतनी दूर से, इतनी गांव से आके, इतनी दूर आके काम करना, तो गांव की याद तो आती है? गांव की याद बहुत आती है, क्या करें, पैसा की जरूरत है। क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी। ये हमारे ओमकार भैया ब्रश कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पे फ्रेश हो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, कोई बर्तन धो रहा है, और ये हमारे अमित भाई हाथ धो रहे हैं। ये टैंक है, ये पानी साफ है, बहुत साफ पानी है और डेली ना चेंज होता है ये पानी, सफाई का तो पूरा ध्यान है। अमित भाई नाश्ता वास्ता लेकर आ गए, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो मेरे लिए? ए भाई तुम्हारे लिए ब्रश व्रश करके रेडी हो चुका हूँ, तैयार हो गया हूँ, जूते वूते पहन लिए हैं क्योंकि अभी निकलना है, क्योंकि ये भाई लोग भी निकलेंगे काम पे जाना है इनको 8 बजे। तो अभी चाय बना रहे हैं मेरे लिए, वैसे चाय ये लोग बनाते नहीं है। चाय बनाते हो आप सब? नहीं बनाते हो ना? नहीं, मेरे लिए बना रहे हैं बस। गाइस एक चीज़ और कि मैं बता दूं कि मैं क्यों यहाँ कैसे आया था, ये हमारे अमित भाई हैं, इन्होंने फ़ोन करके बोला कि भैया आ जाओ, दिल्ली में काम चल रहा है, तो मैंने कहा मिलने ज़रूर आऊँगा, इनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, अमित भाई हैं, और हम अपने ओमकार भैया बैठे हुए हैं, और राम भवन था, रात में कहीं चला गया, 1-2 तारीख के बाद आएगा, तो ये सब लोग को मैं जानता हूँ, तो ये लोग यहीं काम करते हैं साइड पे दिल्ली में, तो इन्होंने कहा कि एक बार मिल लो आके, तो मैंने कहा मिल लेते हैं, और जब मिला तो इनका देखा कैसे रहते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं, मतलब रहते हैं तो लाइफ को और काम को, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर ब्लॉग बना लें। तो अभी चाय बन रही है, चाय भी पियेंगे फिर निकलेंगे घर। गरम गरम चाय, चाय ब्रेड लाओ 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 लाओ। तो अब जा रहा हूँ घर, भाई छोड़ने जा रहे हैं, और मेरी वजह से आज काम पे भी नहीं गए हैं अमित भाई, आज काम पे भी नहीं गए मेरी वजह से। तो अब जा निकल रहा हूँ घर, टाइम भी हो रहा है और जल्दी निकलना भी है, कुछ काम भी है घर पे, तो अब चलते हैं बाहर। दरवाज़ा खुला हुआ है, सिक्योरिटी भी है, सिक्योरिटी गार्ड। तो ये रहा, देख रहे हो कितनी सफाई है, सफाई का बहुत ध्यान रखा गया। अब हम निकलते हैं बाहर, यही है बिल्डिंग जो बन रही है, यही काम चल रहा है ना, यहाँ काम चल रहा है, तो यहाँ पे सब लोग रहते हैं। अमित भाई मुझे छोड़ने आए और अचार भी दिया है इन्होंने मेरे को, ओमकार भैया ने, यहीं पे काम चल रहा है, सब लोग यहाँ जा चुके हैं, भैया ने छुट्टी ले ली है आज। तो अब जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन, तो इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड। आई होप इस ब्लॉग में आपको मज़ा आया होगा, अच्छे से रहा यार, बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं एक हॉस्टल में रह रहा हूँ, बहुत मज़ा आया। तो इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड। ओके गाइज, बाय बाय, सी यू सून, बाय।